हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। भाइयों, मैं आपको आज तीन गोल्डन टिप्स देने वाला हूं, जिसे आप हमेशा फॉलो करो, जिससे लड़की खुद बोलेगी आई लव यू, और ये तीन टिप्स आपको हमेशा काम आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, हमारे जितने भी भाई ऐसे हैं जिन्होंने लव सोनोटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी सब्सक्राइब कर दो और साथ वाले बेल आइकन को दबाकर ऐड हो जाओ हमारे YouTube फैमिली में। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज का मुद्दा शुरू करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस से भरे रहो और हमेशा बिंदास रहो। भाई देखो, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप बेझिझक होकर बोल नहीं पाते हो, तो भाई आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद पर भरोसा करोगे, तभी लोग आप पर भरोसा करेंगे। लड़की को पटाने के लिए पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ, मैं इसे पटा लूँगा। इमेजिन करो कि हाँ, मैं इसे पटा चुका हूँ, क्योंकि जब आप ये दो काम करोगे, तब आप उस लड़की से बात करने में कभी डरोगे नहीं। लड़की से हमेशा बेझिझक होकर बात करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, अपनी बात को उसके सामने अच्छी तरह रखो। ये चीज़ लड़की को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस लड़की को दीवाना बना देगा। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, कभी भी कहीं भी घबराओ मत, कभी कहीं भी बिंदास रहो। क्योंकि ये भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब छोटा था स्कूल टाइम में तो बहुत शर्माता था। एक बार मैंने स्टेज पर परफॉर्मेंस दी थी और वो मेरे कम परफॉर्मेंस की वजह से ख़राब हो गई थी। जब से हमने डर और झिझक, जिसे हम शर्माना भी कहते हैं, उसे अपने आप से दूर फेंक दिया। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो और जो बात बोलनी है बिल्कुल मुंह पर बोलो। लड़की क्या, हर कोई आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो भाई, तीसरा पॉइंट है अपनी पर्सनालिटी और अपना ड्रेसिंग सेंस एकदम ओके की रिपोर्ट रखो, कि जो भी आपको देखे ना, बस उसके मुंह से बस तारीफ ही निकले, चाहे आपके ड्रेस की हो या पर्सनालिटी की। तो भाई, लड़कियों को अगर पागल करना है तो ये चीज़ नंबर वन हो जाती है, क्योंकि कपड़ों और पर्सनालिटी पर पहले ध्यान देती हैं। और ध्यान रखना, पर्सनालिटी तभी मस्त रहेगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। आप एकदम बिंदास टाइप के बंदे होंगे, तब आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो बनेगी। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की। तो वो है अपना नेचर, स्वीट रखो। भाई देखो, अगर आप में कॉन्फिडेंस भी है, आपका पर्सनालिटी और ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, लेकिन आपको अगर बात करने का ढंग नहीं है ना, तो भाई ये सब बेकार है। आप दूसरे से रूड बिहेव करते हो, नेगेटिव एटीट्यूड में रहते हो, फिर कोई आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। आपको ऊपर वाले दो पॉइंट फॉलो करने के साथ साथ अपना नेचर सूट रखना है। हर किसी से पोलिटली बोलो, छोटे बड़े की रिस्पेक्ट करो और गुस्से पर कंट्रोल रखो। फिर देखना भाई, लड़कियां पागल होंगी आपसे बात करने के लिए, और आप जहां जाओगे वहां सबका दिल जीत लोगे। और अब जल्दी से मेरा दिल जीत लो। वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर करके और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, तो मैं जानता ही हूँ। चलो, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।